मोदी जी के सपने का नारा आपकी बात 400 पार। इस नारे से सिंधिया की सबसे करीबी इमरती देवी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका सपना तो खुद विधायक बनने का है। एक वायरल वीडियो जो 4 मिनट 2 सेकंड का है, ये वीडियो राजनीतिक गलियारों से होते हुए मीडिया की सुर्खियां बन चुका है, जिसमें वो साफ कहती नजर आ रही हैं कि भांडेर उनका मायका है और वो अपने मायके वालों की मदद करेंगे। कांग्रेस से सिंधिया का दामन थाम कर बीजेपी में शामिल हुई सिंधिया की सबसे करीबी इमरती देवी नहीं चाहती कि भिंड से बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय चुनाव जीते। इसके लिए वे कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया को जिताने के लिए गोपनीय बैठक कर समर्थन देने को तैयार हैं। अब अगर फूल सिंह बरैया जीत जाते हैं तो भांडेर विधानसभा सीट खाली हो जाएगी। अब लोगों का कहना है कि फिर उपचुनाव होगा तो वो बीजेपी से टिकट ले आएंगी और विधायक बनेंगी, यही उनका सपना है। अब इमरती देवी भी बेचारी क्या करें, कुर्सी का लोभ किसी से छूटता है क्या भला? फोन पर इमरती जिससे बात कर रही हैं वो उन्हें चाची कह रहा है, वही इमरती देवी कह रही हैं एक तरीका से तो भांडेर हमारा मायका है, तो हम अपने लोगन की मायके वालन की मदद नहीं करेंगे, बराबर करेंगे। चाची कहने वाला शख्स कह रहा है बरैया को आदेश कर रहे हैं आपके अनुसार। इमरती देवी कहती हैं ठीक ठीक। शख्स ने आगे की चर्चा में कहा कि चाची आप ही के दम पर सब कर रहे हैं, तो इमरती कह रही हैं चिंता मत करो, हम गृह मंत्री से नहीं डरे तो कौन से डरेंगे। खैर बातें तो बहुत सारी हैं वायरल वीडियो में, लेकिन अंत में इमरती ने कहा कि अभी चंदेरी में हूँ और चंदेरी से आके डबरा आ रही हूँ। कल भारत सिंह कुशवाहा को क्षेत्र में है पर मजबूरी में जाऊंगी। फिर 14 को हमारा जन्मदिन है तो 14 को घर रहूंगी। 15 को मैं अशोकनगर पहुंच जाऊंगी। अब आप ही सुन लीजिए चाची भतीजे के बीच बातचीत का वायरल वीडियो। कुल मिला के इमरती देवी के पहले भी कई ऑडियो और वीडियो वायरल हुए हैं, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। कहा जाता है कि वो सिंधिया की सबसे खास, लेकिन क्या मोदी के 400 पार वाले नारे में सेंध लगाने वाली इमरती पर कोई कार्रवाई होगी? वही तो कह रहे हैं, तो हमने कही कि वही हम कह रहे हैं। नहीं अपन तो चाची देखो अपन पूरी तो क्षेत्र के लोगों ने भांडर समारा, इस तरह का मायका है तो अपने अपने लोगों की माय के बाद की मदद नहीं करेंगे। वही हम कह रहे हैं कि बस अपने लोगों को ये आश्वासन चाहिए, तो हम सब लोगों में या हम अपने फोन से सबको नेक बोल दियो या फिर एक दिन आ जाइयो नेक टाइम दे दियो, तो चुपचाप गुप्त में एक मीटिंग रख लें या जैसो आप आदेश करो सो अपन कर लेंगे। अपन बरैया को सब आदेश कर रहे हैं आपके अनुसार है, और हमने वहाँ तो अपने घर ही है ग्वालियर, सो हमने होते सबसे अपने बोले ही दी है, तो अपन बुरबीर पाठक के लाने लगे हैं। हमने कह दी सबको, हमने की चाची है वहाँ की कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ तो वहाँ अपन प्रवीण पाठक को बिल्कुल कर रहे हैं। अब आप ही देखियो, हम चाची आप ही के दम पे हमने सब कर दो, बस आप ध्यान। हाँ वही हम कह रहे हैं आपकी मदद है, हमने आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं हम जो आपके कहवे से क्या है। देखो हमने हमारे को भाव नहीं है, देखो मुकेश भाई नहीं है हमारे जिनके लाने सब कछु करो ठीक है। तो जिन बात में जितनी हूँ उसकी होकर रहूंगी, आप भी मुझे छोड़ दे पकड़ ले, लेकिन मैं जीवन में मुकेश को भी अगर लोगों ने कहीं ना कहीं अब ऑर्डर लगा तो पूछ लेना, अगर टीआई से देखा झूठा लगा है टोटल झूठा, तो मर्डर में से हमने टीआई से बचवाओ एसपी से कहकर इनके टोटल झूठा। कौन कौन को नहीं, वो तो भानु बिन के संगे भारत सिंह के संगे पहुंच गया, हम कहते चले जाए हमारे जो लोग हैं, तो वे तो बे कह रहे हैं आप बताओ भाई सब क्या करे। नहीं तो भारत सिंह ने हरा वही उठा के ले गो विधानसभा पार्षद जनपद सदस्य को,
और वही के संग में देखो जी जान से लगे ऐसे दोगलापन अपन को कर सकते नहीं तो दम लगाते रहे सब करते रहे वो रात के लेट उठते हो भग गाओ जय की चालत ही भगाओ जय के पैसा के नाले तो पहले भारत की हमें तो मुची बनाओ बच्चे। बस आप तो एक काम करियो जब हम इन लोगों की फिर एक मीटिंग अब परसों नरसों ले सो आप तो हम फोन अपने से लगे तो आप तो जो कह दियो कि आपके लाने हम सब तैयार तुम तो लोग तो बरैया को देखो और करो आपके सब कार्य मदद ठीक है तो ने और प्रवीण पाठक वाले में भी देख लियो ठीक है आप उन्हें मेहनत कर ले तो आपको हमें कैसे करके थे भांडर ले आने हैं। हाँ हाँ देख लियो ना बस यही है कि हम जैसे मुझे आपसे ठीक है चाची ठीक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।